नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया यार। एक फॉर्म आया है एनबीए का, ठीक है, सबको पता तो होगा ही। तो उसमें कुछ मैं स्पेशल नहीं बताने वाला, बस कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि वो मेरे जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे से, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई, उनसे पढ़ाता हूँ, तो उनके कुछ डाउट्स थे एक्सपीरियंस का क्या सीन है, ठीक है, और भी एक दो चीज, तो मैं वो सब क्लियर करूंगा भी आपका। तो यार देखो, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही होगा, बट आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरा देखना, हर चीज बताया जाएगा इसमें, एक भी चीज नहीं छोड़ा जाएगा। देखो, फॉर्म है, एग्जाम है अपना क्या, 31/8/2020। ये एक तरीके अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है सबके पास कि एग्जाम की डेट पहले से पता चल गई है। वरना भारत सरकार का ये नियम क्या है कि फॉर्म ले लेते हैं फिर एग्जाम तो होता ही रहेगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए हैं तो अभी सबको पता ही होगा। चलो देख लेते हैं, आओ, 31 अगस्त को इसका एग्जाम है, ठीक है, फॉर्म निकल गया है। 31 जुलाई को इसकी लास्ट डेट है। चलो, असिस्टेंट की फॉर्म आई है, 57 की पोस्ट आई है, जूनियर असिस्टेंट की, सीनियर असिस्टेंट की 18 पोस्ट, जूनियर अकाउंटेंट की 7, स्टीनोग्राफर की 8, ठीक, ये सिंपल बात। सिलेक्शन प्रोसीजर, अच्छा एक चीज और देख लो, ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है ये, लेवल ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, ठीक, ऑल इंडिया लेवल पर होगा, मेल और फीमेल कोई भी भर सकता है। और एग्जाम कौन कराएगा? अपना चाहेगा टीसीएस, ठीक, अपना चाहेगा टीसीएस एग्जाम कराएगा। ये सिंपल सी बात थी, जो बेसिक नॉलेज था, ये आपको उसमें लिखा भी हुआ है नोटिफिकेशन में, ठीक है। एज जनरल के लिए दिया हुआ है कितना, मैक्सिमम 27, मिनिमम डिनोट नहीं किया हुआ है उसमें, मेंशन नहीं किया हुआ है, मैक्सिमम 27। हाँ, जो अदर कास्ट के हैं, ओबीसी एसटी, उनके लिए जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा उनको, ठीक है, 3 साल का और 5 साल का रिस्पेक्टिवली, जो भी है। एजुकेशन के लिए इसी में डाउट है लोगों को कि इसमें लोग एक्सपीरियंस भी मांग रहा है सब कुछ, इसको क्लियर करना, ठीक। एजुकेशन समझो, जूनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 मतलब 12 पास होना चाहिए, किसी भी साइड से हो कोई मैटर नहीं करता, कॉमर्स साइंस आर्ट्स कुछ भी पढ़े हुआ कोई मैटर नहीं करता। कंप्यूटर का सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा कि ट्रिपल सी का ले आओ या ओ लेवल का ले आओ या टैली का ले आओ, फलान डिगान कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं मांगा जाएगा, हर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सीनियर असिस्टेंट के लिए ओनली ग्रेजुएशन, सिर्फ ग्रेजुएशन, आप किसी भी स्ट्रीम से हो नो मैटर, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी हो नो मैटर, बीए एमए बीकॉम बीएससी कुछ भी हो नो मैटर। जूनियर अकाउंटेंट के लिए इसमें है कंडीशन, जूनियर अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ्स से, स्टैट्स से और बीकॉम या तो कॉमर्स से, 3 चीज, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स और या तो कॉमर्स बीकॉम, ठीक। फिर स्टीनोग्राफर के लिए 12th पास 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, शॉर्ट हैंड, इसमें कंडीशन क्या है कि आपकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट, ठीक, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, क्लियर है। और उसके बाद टाइपिंग भी होनी चाहिए, मतलब आपसे जो शॉर्ट हैंड कराएंगे ना, फिर उसको आपको टाइप भी करना होगा, ठीक, ये चीज। अब देखो, इसमें 2 चीज है, एक निगेटिव मार्किंग, एक एक्सपीरियंस। तो देखो भाई, एक्सपीरियंस के लिए ना, जूनियर अकाउंटेंट में लिखा हुआ है नीचे 3 साल और स्टेनोग्राफर में लिखा हुआ है 2 साल। अब सुनो मेरी बात, ऐसा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, ये डिजायरेबल है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। कि मान लो कि अगर 2 लोगों का एक सेम नंबर क्लैश करता है, तो अगर किसी के पास ये डिग्री होगी तो हम उसको प्रीफर करेंगे, तो कंपनी जो है, जो एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो उसको प्रीफर करेगा। बस मुद्दा ये है, फॉर्म आप भर सकते हो, एग्जाम आप दे सकते हो एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से, तो एक्सपीरियंस वाला ख्याल अपने दिल से निकाल देना, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर है, जूनियर अकाउंटेंट का 3 साल मांगा है, स्टेनोग्राफर का 2 साल मांगा है, बस अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं, तैयारी करते रहो, एग्जाम देते रहो, कोई टेंशन नहीं, ठीक। निगेटिव मार्किंग का क्या सीन है इसका, कि उस पर नोटिफिकेशन पे नहीं दिया हुआ है, और जहां तक मेरी जानकारी है
वो देगा भी नहीं, मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी भी नहीं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि अगर उस पर लेना होता, उसको करना होता तो पक्का लिखा होता, और उस पर नहीं लिखा है, ठीक है। अब आओ फीस देख लेते हैं एक बार। जनरल के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है, उसके बाद अन्याय किया गया एक तरीके का देखा जाओ तो, और जनरल के लिए क्या, बाकी सबके लिए भी, हाँ जनरल के लिए एकदम दोगुना कर दिया गया। इतना नहीं करना चाहिए फॉर्म फीस, सबको पता है कि भाई क्या ऐसा समय चल रहा है, पैसे की प्रॉब्लम सबको है, तो जनरल सब लोग पैसे वाले तो होते नहीं है। हालांकि देखना चाहिए कि 1500 रुपए का फॉर्म है, 1500 रुपए का फॉर्म है जनरल के लिए, और बाकी सबके लिए 750, चाहे वो EWS हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC ST, सबके लिए मेल फीमेल सबके लिए 750 रुपए, जनरल के लिए 1500 रुपए। ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है, इसी में थोड़ा बहुत गेम हो जाएगा। गेम ये हो जाएगा कि लोग फॉर्म कम भर सकते हैं, लोग फॉर्म कम भर सकते हैं 1500 रुपए देख के, एक तो यार पोस्ट कम, एक तो पोस्ट कम, ऊपर से पैसा इतना ज्यादा। बट दोस्त अगर मेरी मानना तो फॉर्म भरना, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो भरना जरूर, ठीक है, तैयारी मैं करा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, और जो यहाँ पढ़ा दूंगा वही आएगा आपको, सिलेबस, सैलरी, जॉब लोकेशन, सिलेक्शन कैसे लेना सब बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है, बस साथ बना रखना। जनरल के 1500 रुपए फीस है और बाकी 750, कर सकते हो तो करना जरूर और तैयारी करो यार अगर एफोर्ड कर पा रहे हो तो, ठीक है। हाँ लेकिन अन्याय तो ये हुआ ही है, फीस दोनों के लिए बहुत ज्यादा है, 750-1500 रुपए बहुत होता है, ठीक है, ये इतना था। हाँ अब एक चीज ये देखो, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट के लिए एक ही टेस्ट होगा, CBT का ऑनलाइन टेस्ट, एक स्टेज का एग्जाम है, आप CBT दीजिए, उसके बाद आपका वो हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। और फिर स्टीनो में आपका 2 स्टेज का एग्जाम है, चाहे 3 स्टेज भी कर सकते हो, आपका पहले तो शॉर्ट हैंड होगा, ठीक, सॉरी पहले आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर स्किल टेस्ट होगा आपका जिसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग ये होगा, फिर आपका DD होगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न सेम, सिलेबस सबका रहेगा चारों का, एग्जाम लेवल अकॉर्डिंग टू पोस्ट डिफर कर सकता है, जो 10+2 लेवल पर है उसका लेवल थोड़ा सा कम रह सकता है, और जो ग्रेजुएशन लेवल पर है उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, हालांकि सिलेबस और पैटर्न दोनों का ही रहेगा। 180 मिनट का पेपर होगा, 180 मिनट का पेपर होगा, मीन्स 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे का पेपर और 200 सवाल, मैं भी बता रहा हूँ आप लोग को, 3 घंटे का पेपर होगा, 200 सवाल होगा, ठीक है, और बाकी नेगेटिव मार्किंग में आपको बताया दिया, एक्सपीरियंस में आपको बताया दिया। हाँ अब बाकी आती है बात सैलरी की, सिलेबस की, लोकेशन की और सिलेक्शन की, कि इसका कैसे करना है, ठीक है, अब इसको समझते हैं, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, ठीक है। देखो दोस्त, सिलेबस दिया ही हुआ है, वैसे इसमें बता दे रहा हूं, रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, वही मैथ्स, वही GS, वही इंग्लिश, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और 180 मिनट मतलब 3 घंटा, मतलब समय तो आपस अथा मिला है, अथा मतलब एकदम अथा, मतलब CPO का जो एग्जाम होता है वो 200 सवाल आते हैं, 2 घंटे में करने होते हैं, आपको 3 घंटा मिल रहा है, मतलब तो समझ रहे हो समय तो बहुत है, बस करना है इसको और कुछ नहीं। सैलरी देख लो मेरा दोस्त, मेरे दोस्त ग्रेड पे जूनियर असिस्टेंट और स्टीनो का 2000 का ग्रेड पे है, जो ग्रेड पे है वो 2000 का है, और सैलरी अप्रोक्स 30,000 के है। इनिशियली आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा, 30,000 रुपए इनिशियली इतना ही मिलेगा, और सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट का जो ग्रेड पे है वो 2800 है, और आपकी इनिशियल सैलरी 34,000 या 35,000 के अप्रोक्स होगी, इसी के लमसम होगी, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी हेडक्वार्टर में दिल्ली में है, सब लोग को वही चाहिए तो दिल्ली में, बाकी हाँ इंडिया लेवल पे है तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, बेसिकली जॉब लोकेशन दिल्ली मांग चलना, ठीक है, हालांकि इंडिया लेवल पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आपको कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक। एडमिट कार्ड अगस्त में आएगा, आपको पता ही है, सेंटर अब आपके आसपास ही पड़ेगा, आपको बहुत दूर नहीं फेंकेगा वो, तो सेंटर भी आपके एडमिट कार्ड पे ही रहेगा, ठीक है। और कुछ बचा, हाँ फाइनल सिलेक्शन जो होगा, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके रिटेन बेस्ड एग्जाम पर होगा, बस
जो फाइनल सिलेक्शन जो बनेगी वो रिटर्न बेस्ड जो आपने सीबीटी दिया हुआ है सिर्फ उसी पे बनेगी बस, ठीक है। तो ये आपकी जो डाउट्स है, एक्सपीरियंस के डाउट्स और निगेटिव मार्किंग के डाउट्स, जॉब प्रोफाइल क्लरिकल है, ऑफिस जॉब है, जो आपकी जॉब प्रोफाइल है वो ऑफिशियल जॉब है, क्लरिकल है, डेस्क जॉब है, बैठ के करना है इसी में बस, ठीक है। और बाकी सब तो मैं आपको बताया दिया, जो आपके डाउट्स क्लियर है। हाँ, रीजनिंग और मैथ्स का, इन दोनों का समाधान दोस्त मैं कर सकता हूं आपका, ठीक है। ये दोनों को मैं गाइड कर सकता हूं कि कैसे कैसे आप कर लो, अगर आप पूछो तो मैं बता दूंगा। इन दोनों का समाधान मेरे पास है, मैथ्स में सीरीज चला ही रहा हूं, एनबी के लिए मैं 4-5 वीडियो डाल दूंगा, बढ़िया बढ़िया, मैथ्स और रीजनिंग के अगर आप लोग कहोगे तो। हाँ, इसकी गारंटी रहेगी कि जो पेपर आएगा वो इसी में से आएगा, मैथ्स का मेरे में से, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस 19-20 हो सकता है, जहां तक मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, ठीक है। और बाकी सब मैंने बताया दोस्त, सैलरी हो गई, सिलेबस हो गया, जॉब लोकेशन हो गया, जॉब प्रोफाइल हो गया, एडमिट कार्ड अगस्त में आ जाएगा, एग्जाम आपके 31 अगस्त को है, ज्यादा दिन बचा नहीं है, एक महीना है सबके पास, दबा के पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, बिंदास आके मेरे से पूछो, इस पे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल है, उस पे मेरे को मेल कर दो, चाहे तो कमेंट में अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी के इतना ही करते हैं, फॉर्म भरना जरूर से, एग्जाम देना मन लगा के, जॉब लेना है सबको, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, सभी को राधे राधे, ठीक है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।